2017 में पहले भी ये दोनों जोड़ियां साथ आ चुकी हैं। ये जोड़ी यूपी को पसंद है, ये स्लॉग, ये नारा दिया गया था। फिर भी उस समय भी गठबंधन था, लेकिन उसमें कोई कामयाबी ज़्यादा नहीं मिली थी दोनों पार्टियों को। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन हुआ है, इसमें दो पार्टियों को ना छोड़ करके कई पार्टियां इसमें आई हुई हैं समा करके। और इसमें ये कोशिश है, देखिए आप भीड़ जनसैलाब देख करके समीकरण को बदलने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और भीड़ देख करके नेता काफ़ी खुश हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस समय काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। और सुरक्षा गार्ड देखिए आप किस तरह से जो है आप सिक्योरिटी संभाले हुए हैं इस वक्त, कुछ कहते हुए कान में कुछ उनके नेता, जो उनके जो लोग हैं, समर्थक हैं, जो सिक्योरिटी के रूप में वहाँ पर तैनात किए गए हैं। और इस समय अखिलेश यादव को भी ज़मीन सियासी तलाशनी होगी, जबकि इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, नया नाम दिया न्याय यात्रा। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो जगह जगह उन्होंने हिंदुस्तान में कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों के एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। उनका जो स्लोगन है इस वक्त, उनका कहना है कि मजदूर, महिला, किसान, तमाम लोग परेशान हैं। उन्होंने अभी अपने संबोधन में कहा, उनका कहना है कि 88% व्यापारियों में कोई भी जो है छोटे व्यापारी उसमें नहीं है, उसमें बड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने IAS का भी नाम लिया, तमाम IAS जो लोग हैं इसमें 90% लोग जो है अच्छे पदों पर जो है अच्छे लोग हैं। और मनरेगा में और मजदूरी करते हुए किसान, ये सब जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने बताया कि तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो और लोग हैं जो वो जो है बड़े बड़े पदों पर आसीन है तो उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। किसानों के लिए उन्होंने कहा MSP गारंटी, अगर उनकी सरकार आती है तो वो उसकी गारंटी देते हैं, उसको मिनटों में उस चीज़ को, उस डिमांड को ख़त्म करेंगे जो सरकार नहीं मान रही है। ऐसे तमाम मुद्दे, तमाम मैनिफेस्टो में उन्होंने अपने संबोधन में कहा, तमाम चीज़ों की जानकारी दी जनता को। काफ़ी देर तक अखिलेश यादव ने भी और राहुल गांधी ने भी संबोधित किया, और कुछ यहाँ पर लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को आगे बढ़ते हुए अभिवादन करते हुए सीधा निकलते जा रहे हैं वाहनों में। और कुछ देर का ये जो है रोड शो है, लेकिन भीड़ को देखते हुए दोनों नेताओं के, तीनों नेताओं के चेहरे इस समय खिल गए हैं कि यूपी में हो सकता है कि कोई बदलाव हो। लेकिन अभी जिस तरह का समीकरण देखने को मिल रहा है उसमें कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इधर चूँकि आगरा में अगर देखें तो आगरा में दोनों ही पार्टियों का कोई बहुत ज़्यादा जनाधार यहाँ पर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के माध्यम से कोशिश में लगे हुए हैं। तमाम पार्टी इसमें समाहित हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर, जो इस समय आप ये तस्वीर को देख रहे हैं, कांग्रेसी जन और सपाई और जो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो सभी इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जनसैलाब, ये रैली, ये बार बार नहीं मिलती है। और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पिछले 34-32 सालों से नदारद है, गायब है। और सपा की अगर रही बात तो उनकी सरकार भी कई साल पहले यहाँ पर बनी थी, और अब जो है वो भी सियासी ज़मीन लोकसभा में अपने सांसदों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी भी अपने सांसदों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त काफिला यहाँ पर देखने को मिला, हर कोई राहुल अखिलेश हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, लंबा काफिला वाहनों का, भारी जनसैलाब, भारी जनसमूह, अपने प्रिय नेताओं को देखने के लिए वहाँ पर लोग मौजूद हैं और सभी छूने की कोशिश करते हुए। और देखना ये कि ये इंडिया गठबंधन क्या कुछ गुल खिलाता है इस बार लोकसभा चुनाव में। भीड़ देखकर ये लग रहा है कि उनका सियासी भूचाल आने वाला है, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा मार्च अप्रैल मई किस तरह की अब चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। इधर जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो पीछे भीड़ को धकियाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, हर कोई राहुल तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हर कोई फोटो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है। SPG के कमांडो देखिए, वो पैसे भी दिया है राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ने पैसे दिया, ऐसा लगा कि पैसा दिया है, टिकट दिया, ये नहीं मालूम पड़ रहा है क्या दिया है। वो लड़का आया था यहाँ पर, एक युवक, और उसको उन्होंने कुछ दिया है जेब से निकाल कर, मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ उन्होंने दी है, अब क्या चीज़ है ये नहीं पता है उन्होंने क्या दिया है, कार्ड है कोई, ऐसा लग रहा है कार्ड दे रहे हैं सभी को। और जो आ रहा है उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ तक कोई नहीं पहुँचे,
और वो ज़बरदस्ती उनको कोहनी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए धकियाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भीड़ में नेताओं के साथ में ऐसा होता है, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं उनके पास तक पहुँचे, लेकिन सिक्योरिटी इतना ज़्यादा है वो बहुत मुश्किल हो रही है। राहुल की तरफ ज़्यादा लोग अग्रसर हैं जबकि अखिलेश तरफ उतनी ज़्यादा भीड़ उत्साहित नज़र नहीं आ रही, केवल हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल तरफ ऊपर जाने के लिए उनके साथ मिलने के लिए धकियाते हुए नज़र आ रही सिक्योरिटी वहाँ पर। देखें आप तस्वीरों को और लंबी पीछे काफिला दिखाई दे रहा है, जाम के हालात हैं इस वक्त। पुलिस बल ने मोर्चा संभाला हुआ है, पीछे पुलिस सिक्योरिटी मौजूद है, साथ में जो दिल्ली से आई हुई सिक्योरिटी है राहुल गांधी और लखनऊ से अखिलेश यादव की, वो भी इस वक्त मौजूद है। काफिला बहुत कम धीमी गति से इस समय आगे बढ़ रहा है और ये कुछ ही समय का रोड शो है। ये देखिए कुछ कार्ड देते हैं राहुल गांधी नेताओं को और उनके साथ सेल्फी भी लेने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी बहुत परेशान है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है कि उनको छूने ना दें, उनको पास जाने नहीं दें, चूँकि ये बहुत सख्त रूल राहुल गांधी के प्रति है। देखिए हाथ मिला करके लोग फोटो खिंचवा लेते हैं वहाँ पर और अपने आप को जो है देखिए कोहनी से पीछे से धक्का दिया, देखिए सिक्योरिटी ने नीचे धकेल दिया। अक्सर भीड़ के साथ में ऐसा होता है, जबकि अखिलेश यादव की तरफ मूवमेंट थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है जबकि राहुल की तरफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। आप तस्वीर देखें सिक्योरिटी को भी धकिया दे रहे हैं वहाँ पर, भीड़ जो है वो धक्का मार रही है राहुल तक जाने के लिए, प्रियंका तक पहुँचने के लिए। प्रियंका थोड़ा पीछे हैं तो उनके पास जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन राहुल के पास जाना थोड़ा सा आसान लग रहा है क्योंकि वो थोड़ा आगे हैं। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, चारों तरफ से लोग कुछ फ़ोटो तस्वीर भी लेकर आए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है, साथ में और नेताओं की भी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये सब गठबंधन का यहाँ पर दिखाई दे रहा है चीज़ें। राहुल हर किसी को कार्ड दे रहे हैं और तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जितना राहुल करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग करीब आने दे रहे हैं उनको, सिक्योरिटी कहते हैं कि उनको आने दो थोड़ा सा, और राहुल के जब पास आते हैं तो वो जो है हाथ मिला करके उसको अपना कार्ड देते हैं, हाथ में पकड़ा देते हैं और थंब लगा करके खुशी का इजहार करते हैं। ये एक कोई फोटोग्राफर जो सीधा गाड़ी पे चढ़ा हुआ है ये भी तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये सभी की फ़ोटो खींचने के लिए बुलाया गया है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप इस वक्त जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान की है और ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही, जनसमूह जैन सैलाब उमड़ा हुआ है। सियासी ज़मीन, सियासी संग्राम इस समय चालू हो गया 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए। संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के लिए, हम उनसे बात करते हैं इस वक्त। और लेकिन ये तस्वीरों में आप ये तस्वीर ज़रूर देख रहे होंगे कि इस वक्त लोग जो कुछ मिला है हाथ में बैट भी लेकर लोग पहुँचे, देखिए क्रिकेट का बैट जो होता है उसको भी लेकर लोग पहुँचे, उसे भी दिखा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को। झंडे तो लोग दिखा ही रहे हैं, फोटो पोस्टर लोग लेके पहुँचे वहाँ पर। सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, जितने लोग समर्थक नहीं दिखाए थे उससे ज़्यादा यहाँ पर खाकी वर्दी नज़र आ रही है मैं इस रोड शो के दौरान, क्योंकि इस समय 3 सीनियर नेता लीडर इस समय यहाँ पर आए हुए हैं। अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल क्या पोजीशन है इस वक्त, रैली कहाँ तक पहुँची है? बात करें इस समय अगर हम बात करें टेरी पद्यापक जी, तो अभी टेरी पद्यापक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अभी बाबा साहब के माल्यार्पण किया है, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के निशाने लगाया और कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए, साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ पर ट्रेन की दुकान खोलने आया हूँ और यहाँ पर ट्रेन बैठ के आया हूँ और की राजनीति को खत्म करने आया हूँ। तो वही अखिलेश यादव ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि जो कांग्रेस के राहुल गांधी यूपी में ट्रेन की दुकान खोलने आए तो हम सभी को उनकी ट्रेन की दुकान को आगे बढ़ाना होगा और ट्रेन चारों तरफ ट्रेन चलाना होगा, नफरत की राजनीति को, जातीय राजनीति को खत्म करना होगा, क्योंकि ये बदलता भारत है और कहीं ना कहीं आज के बदलते भारत की मांग है रोजगार और कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर। इस दौरान उन्होंने पुलिस भर्ती पर भी निशाना साधा कि लगातार जिससे कि पेपर लीक किया कहीं ना कहीं उससे लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। नहीं, राहुल गांधी ने अपने संबोधन में देश की जनता के लिए और लोगों के लिए क्या कुछ कहा, क्या कुछ बताया उन्होंने? देखिए उन्होंने सीधे तौर पर अगर बात करें कहीं ना कहीं ये भारत
जो न्याय यात्रा कहीं ना कहीं आगामी चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 की उनकी तैयारी है और कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में जिसके कांग्रेस के खाते में गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमीन ढूंढने की तलाश है और इस भारत जोड़ो यात्रा के अपार जनता का समर्थन मिल रहा है। बात करें कई सारे जो दल है वो यहाँ पर मौजूद है जिनका अनिल इस वक्त अनिल टेढ़ी बगिया में, चूंकि अनिल टेढ़ी बगिया में बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ दिख रही है, सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है वहाँ पर? देखिए अगर हम बात करें काफी पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, अगर बात करें हजारों की संख्या में कांस्टेबल है, बाकी पुलिस इंस्पेक्टर्स है, उसके बाद पीओ और एसपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और अगर बात करें क्योंकि भीड़ को काबू करने के लिए दोनों ओर रस्सियां खींची गई है, लेकिन बावजूद इसके रस्सियां खींचने के बावजूद भीड़ जो रुक नहीं रही है, अखिलेश यादव राहुल गांधी की गाड़ी के आगे आ रही है और कहीं ना कहीं इस बीच जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव है वो जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी है, इसमें मौजूद है और कहीं ना कहीं उन्होंने भी जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी का निशाना साधा है। क्या उत्साह नजर आ रहा है इस समय, जनता जो साथ में चल रही, समर्थक जो चल रही है इस समय, क्योंकि इस वक्त जो है इस समय जो है सपा के भी समर्थक हैं, कांग्रेस के भी समर्थक हैं, इंडिया गठबंधन का है, रोड शो में दिखाई दे रहा है, कुछ सफ़ेद पोशाक में भी लोग यहाँ पर सफ़ेद टोपियाँ भी पहनकर लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग इस जोड़ी को लेकर के? देखिए अगर बात करें झंडों की तो कई दलों के झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे चौंकाने देने वाली बात है कि कुछ नीले झंडे भी यहाँ पर देखने को नजर आ रहे हैं। तो अगर बात करें गठबंधन को लेकर तो कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, कई सांसद यहाँ पर मौजूद है और इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं और चूंकि अब ये रैली आगे की ओर बढ़ रही है और जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या चलाया जा रहा था क्योंकि इस रैली पर कहीं ना कहीं 5 बजे तक 4 घंटे का समय माना जा रहा था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करीब 4 घंटे आगरा में रहेंगे, उसके बाद राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अगर बात करें माहौल को देख रहे हैं तो जिस तरीके से अभी भी करीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अभी भी जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ रही है और बहुत धीमी रफ्तार से जो आगे चल रही है। करीबन अभी उम्मीद है कि अभी जो इनका जो समय है 4 घंटे या 5 घंटे का राजस्थान की सीमा में कैया के माध्यम से गौरव में प्रवेश करेंगे, तो उम्मीद है कि करीबन ये जो रैली है वो 7-8 घंटे भी चल सकती है। अभी एग्जिट पोजीशन अभी क्या है, अभी कहाँ तक पहुंची रैली, जो कि 2 बजे का एक टाइम था शो का, टाइम जो रोड शो का था 2 बजे राहुल गांधी अखिलेश यादव प्रियंका का पहुंचने का था, कितने बजे आगरा पहुंचे हैं और अब इस वक्त रोड शो कहाँ तक पहुंच चुका है? देखिए टेढ़ी बगिया से अभी सौ और चल रही है रैली और बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है और चलते अभी तक इसका टेढ़ी बगिया से निकल के अगला जो पड़ा है वहाँ पहुँचना था, उसे माल रोड पहुँचना था, फिर आगे भी जाना था, तो अभी काफी दूर है वो सफर, लेकिन जो जिस तरीके की स्थिति दिख रही है तो अभी मुझे लग रहा है कि काफी समय अभी बाकी है वहाँ पे पहुँचने में। और क्या कुछ तस्वीरें इस समय लोगों का क्या कहना है इस वक्त, अनिल क्या कुछ कहा लोगों ने, कुछ किसी आदमी से कोई बातचीत हुई, जो समर्थक है उनसे कुछ बातचीत हुई, उनका क्या रुख है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए हमें बात करें यहाँ पर बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो समाजवादी पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के हैं और अन्य छोटे दलों के समर्थक हैं यहाँ पर, और सभी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है ये आगे छतरपुर सीकरी की बात करें तो कहीं ना कहीं जमीन ढूंढने में कामयाब रहेगा और बड़ी सफलता इस बार कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हालांकि सभी कार्यकर्ताओं का और यहाँ लोगों का कहना यह था कि राजनगर रैली में मौजूद रही है और काफी लोगों ने इस चीज को पूछा भी कि राजनगर मौजूद क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं ने खामोशी कितनी साझे रखी इस मामले पर, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि राजनगर पर कोई रैली में शामिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि राजनगर शामिल नहीं होते तो भीड़ की शक्ल और सुधार होती है। क्या जो समर्थक हैं दोनों तरफ से, आप चाहे सपा हो या कांग्रेस के हो, क्या ये जोड़ी, क्या ये इंडिया गठबंधन आम जनता को, जो लोग साथ चल रहे हैं उनको पसंद आ रहा है? अगर
तो लेकिन अभी कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है दिखाई दे रहा है कि ये जो इतनी लंबी दूरी है उससे क्या कर पाना इतना आसान होगा। इस वक्त तमाम लोग अनिल फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एसपीजी जो कमांडो हैं उनके जो सिक्योरिटी है उसको तोड़ते हुए भी राहुल के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त क्या काब जो भीड़ है वो काबू में नहीं आ रही है? जी बता दें कि वो सोशल मीडिया का क्रेज है और लोगों में खासकर रील बनाने का क्रेज है, तो काफी सारे यूट्यूबर भी यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल पब्लिक है, यहाँ के जो युवा है, वो भी एक सेल्फी से यहाँ में जो जो पुलिस की जो सीमाएं है उसको भी लाग रहे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था उसको भी और अध्यक्ष की गाड़ी के सामने आकर उनके साथ एक सेल्फी लेने के प्रयास कर रहे हैं और कुछ यूट्यूबर उनके साथ रील बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का क्रेज यहाँ पर भी देखने को नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। समाचार अनिल का कहना है कि भीड़ जनसराब काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को ये इंडिया गठबंधन भी पसंद आ रहा है। टेढ़ी बगिया से 100 फुटा रोड तरफ जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो पहुंच रही है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस समय स्पीड थोड़ा सा तेज़ हो गई है और रोड शो की जनता आगे पीछे लेफ्ट राइट सब जगह इसमें नज़र आ रही है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, सियासी ज़मीन, सियासी संग्राम, सियासी बिसात इस समय बिछी हुई है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है हिंदुस्तान का जहां से राजनीति के लिए, जहां से दिल्ली का दरवाज़ा खुलता है। तमाम सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही जो है दिल्ली की राजनीति भी तय होती है। और इस बार अभी देखना है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह की टीमें आई हैं, जिस तरह से राजनीतिक दल शामिल हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, उनका जनता पर जो 24 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश की, उस पर क्या असर, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब एक समृद्धशाली, एक विकसित, एक अच्छा प्रदेश बन चुका है। यहाँ पर अब तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। पहले 20 साल पहले अगर स्थिति नज़ारा उठाकर देखें, तस्वीर देखें, तो स्थिति काफ़ी डबाडोल थी, लेकिन इस वक्त अगर देखते हैं तो तस्वीर काफ़ी साफ क्लियर नज़र आई, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, या फिर किसानों का मामला हो, या फिर रोजगार का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दों पर सरकार ने काम करने की कोशिश की है और तमाम योजनाएँ हों, चाहे प्रोजेक्ट हों यहाँ पर यूपी में लगाने के लिए, बिजनेस उद्योग को यहाँ पर बुलाने के लिए तमाम समिट यहाँ पर हुई उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए इस समय ये जो 2024 की जो लड़ाई है ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर भीड़ इसी तरह से अगर दिखी तो निश्चित तौर पर जो है जो विपक्ष के नेता हैं जो इस समय रोड शो में इस समय दिख रहे हैं आपको, वो निश्चित तौर पर जो काफ़ी उत्साहित और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इससे वाहन को चलने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस समय नज़र आ रही है। सिक्योरिटी इस समय बिल्कुल बोनट के ऊपर भी बैठ करके इस समय सिक्योरिटी अपने नेताओं को देते हुए नज़र आ रही है। देखिए जनसैलाब किस तरह से राहुल तरफ उबड़ता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल आप देख रहे हैं ये जो रैली है, ये जो पेड़ वगैरह लेके भी लोग चल रहे हैं, किस अंदाज में है, नया नया रूप इस समय देखने को मिल रहा है। उसको देख करके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के चेहरे खिल उठे हैं, अखिलेश यादव भी मुस्कुरा रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी संभालने में सिक्योरिटी वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। सभी का अभिवादन करते हुए राहुल, अखिलेश हाथ हिलाते हुए, प्रियंका हाथ हिलाते हुए, पहले दो जोड़ियां थी यूपी में 2017 में आई थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की और एमजी रोड पर यात्रा निकली थी, लेकिन इस बार तीन यहां पर हैं, जोड़ी तीन आई है। राज बब्बर शामिल नहीं है इस यात्रा में, लेकिन तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के और भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। फूलों की बरसात लोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर से फूल फेंक रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं फूलों का। सिक्योरिटी थोड़ा परेशान है कि इसमें उनको रोका कैसे जाए, लोग काफ़ी खुश हैं। नज़दीक जाते हुए यात्रा सीधा इस वक्त आप तस्वीर देखते हुए नज़र आ रहे हैं और पीछे की तरफ जो बस है उसके ऊपर भी तमाम नेता बैठे हुए हैं, जो तस्वीर में इस वक्त नज़र नहीं आ रही क्योंकि ज़्यादातर जो कैमरे हैं उस वक्त जो है राहुल, प्रियंका और अखिलेश को फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बस की हाइट काफ़ी ज़्यादा है जिससे कि नेताओं की तस्वीर सामने नहीं आ रही है, जबकि ये सभी जो है वो थार गाड़ी ऐसा लग रहा है कि उस पर बैठे हुए हैं। इसकी हाइट काफ़ी थोड़ा सा नीचे है, इसकी वजह से फोटोग्राफर्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जो पीछे की जो बस चल रही है जिसमें तमाम नेताओं की तस्वीर फ़ोटो भी लगी हुई है, पुराने जो दिग्गज हैं, जो सीएम, जो पीएम रहे हैं उनकी तस्वीरें लगा के रखे हैं, कमांडो इस समय मोर्चा को संभाले हुए हैं,
इस वक्त ताज़ा तस्वीर क्या है, ताज़ा अपडेट क्या है, रैली कहां तक पहुंची है, संबोधन में क्या कुछ कहा, ये देखिए बड़े तेजी के साथ डिवाइडर पर देखिए किस तरह से लोग खड़े हुए हैं और पेड़ों के ऊपर भी लोग खड़े होकर के इस रोड शो रोड यात्रा का इसमें लुत्फ़ ले रहे हैं। भीड़ दोनों तरफ है, लेफ्ट और राइट दोनों सड़कों पर भीड़ भीड़ नज़र आ रही है इस समय। काफ़ी अधिक भीड़ इसमें नज़र आ रही है कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के इस रोड शो में। हज़ारों की संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, कुछ सफ़ेद पोशाक में हैं, सफ़ेद कुर्ता धोती, सफ़ेद पैजामा, सफ़ेद टोपी, कुछ रेड टोपी पहने हुए, झंडे लहराते हुए हाथों में। आगरा में रोड शो हुआ है, इससे पहले अभी अलीगढ़ से वापस राहुल गांधी आगरा पहुँचे हैं, सीधा प्रियंका वहन को लेकर सीधा आगरा आए हैं। वो इस हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं। 34-32 सालों से यूपी में इस समय खिसकी हुई ज़मीन है कांग्रेस की खास तौर पर, और तमाम प्रदेशों से भी सरकार गई है, तमाम प्रदेशों पर उन्होंने अपना दांव भी गंवाया है। कुछ ही प्रदेश ऐसे हैं जहां पर उनकी सरकारें इस समय टिकी हुई हैं। और इस वक्त तस्वीर हम आपको पूरी दिखा पा रहे हैं सी न्यूज़ पर, काफिला वाहनों का है, साथ ही सबसे पहले सबसे आगे गाड़ी राहुल प्रियंका अखिलेश की है, जिसको कि लोग देखने के लिए और छूने के लिए मात्र एक से ही जो है उत्साहित हो रहे हैं काफ़ी। देखिए ये कुछ कागज़ में कुछ ये युवा देकर गया है, क्या चिट्ठी लिखकर गया, राहुल गांधी मुड़कर उसे देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रियंका गांधी ने अपना चश्मा निकाला है और अब उन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश की है, क्या कुछ इस लेटर में लिखा हुआ है, कैसा लेटर है ये, उसको बहुत ही गहनता के साथ वो पढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हाथ का अभिवादन करते हुए प्रियंका ने फिर से चश्मा अपना ऊपर किया, उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास कर रही है जो ये लेटर ये पत्र लिखकर देकर गया है। उसको उन्होंने सिक्योरिटी को दिया और रख दिया है उठाकर। सिक्योरिटी वाले भी बहुत परेशान हैं क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है, वहाँ पर कैसा माहौल है, रैली कहाँ पहुँची, संवाददाता विजय बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, इस समय कहाँ पहुँची यात्रा और क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है संबोधन में? देखिए विनोद, आपको बता दें कि जो रोड शो है अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी राहुल गांधी और राहुल गांधी का वो शुरू हो चुका है, और उस समय सौ का जो कानूनी व्यवहार कर रहा था और उधर की तरफ से ये इनका रोड शो गुजर रहा है, और सड़क पर लोगों का हुजूम नहीं पड़ा है, चारों और हजारों लोग इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, और ये तीनों ही नेता हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे हैं, फूल माला की बरसात हो रही है। और जहां हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर जो माल्यार्पण किया था, वहां तीनों ही नेताओं का संबोधन हुआ था। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में स्वागत किया था, उसके बाद अखिलेश जी को उन्होंने माइक सुना दिया था। अखिलेश जी बोलकर भी राहुल गांधी बहुमत की दुकान लेकर पूरे देश में चल रहे हैं, और आपका बहुमत का शहर है। उन्होंने कहा यहाँ से कितनी चाहे उतनी मोहब्बत ये लेगा और पूरे देश में निभा दें। उन्होंने कहा कि ये अगर संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन तथा कांग्रेस गठबंधन के देश में बिताना है, और भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तभी संविधान बचेगा, तभी सामाजिक न्याय की जीत होगी। राहुल गांधी ने जब माइक खाना तो तथा मुख्य अखिलेश यादव का गठबंधन में आने के लिए स्वागत किया। भारतीय न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ देखकर राहुल गांधी भी पूरे गांव में दिखे, और राहुल गांधी ने नौजवानों, महिलाओं, युवाओं और खासकर दलितों और पिछड़ों आदिवासियों सबकी मदद कर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि 85% लोग 88% लोगों पर ना देश की घटनाओं को कब्जा है, ना उनके अधिकारी लोग मुख्य जगह पर बैठे हैं, ना मीडिया में वो लोग हैं, ना उद्योगपति वो लोग हैं। 88% लोग सिर्फ आपको मिलेंगे तो मनरेगा की लिस्ट में मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो अन्य जो सूचियों में मिलेंगे, तो इन 88% लोगों की लड़ाई लेकर जो चल रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो किसानों का मुद्दा एमएसपी का है, तो एमएसपी का भी राहुल गांधी बोले, उन्होंने कहा कि एमएसपी अगर कांग्रेस की केंद्र में प्रचार करेगी तो पहले ही दिन आपको लीगल मिनिमम गारंटी जो है जो लागू कर देंगे। किसानों की जो एमएसपी है जो मोस्ट जो चढ़ाई है किसानों की वो लागू कर देंगे। तो उन्होंने हाथ रखा है, हाथ
हर ये हर आपको विनोद ये बताते कि अखिलेश यादव यहाँ अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी 7 साल बाद आगरा में चलते करके तब उनका रोड शो दयालबाग न्यू आगरा के थ्रू हुआ था। इस बार क्योंकि पीडीए को लेकर अखिलेश यादव कर रहे हैं जहाँ एक देश है भारत जोड़े न्याय यात्रा के तो दूसरी ओर भारत जोड़े न्याय यात्रा पीडीए संकल्प के पोस्टर है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ आपको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और उनके घंटे ज्यादा नजर आएंगे। क्योंकि 1982 विजय इससे पहले भी ये जोड़ी आगरा आ चुकी है, इससे पहले भी रोड शो एमजी रोड पर हो चुका है, अब रूट बदल गया है। क्या माना जाए जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है इस वक्त, पहले भी जन सैलाब था भीड़ में उस समय 2017 में भी, इसको क्या माना जाए, कुछ समीकरण में बदलाव चेंज आने की संभावना दिख रही है? देखिए विनोद आपको बता दें कि तब विजय बहुत बहुत शुक्रिया, संपर्क हमारा ठीक सही से नहीं हो पा रहा है, हम आपको बता दें, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग मजदूर महिला किसानों पर उन्होंने उनका समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने कहा अपने संबोधन में कि 88% लोग ऐसे हैं जिनमें जो है लोगों की भागीदारी बड़े लोगों की है। साथ ही साथ उन्होंने नौकरी पेशे में भी यही हाल कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो दलित है जिन्होंने कटाक्ष किया और जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी उनकी मजदूरी में है, उनकी सबसे ज़्यादा भागीदारी उनके मनरेगा में है, किसानों में है, इस तरह की तमाम चीज़ों को उन्होंने जिक्र किया और एक जो यूपी की जो नब्ज है उसको पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने राजनीति को एक तरह से जो जातिगत आंकड़ों के आधार पर उन्होंने जातिगत के उस पर उन्होंने जो है ये हमला किया, सरकार को घेरा। उनका कहना है कि इस बार अगर जो है इस गठबंधन को मजबूत करना है तो उसको बचाना होगा। हालांकि अगर हम आगरा की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार जरूर रही है, लेकिन कांग्रेस पिछले 32 सालों से इस 34 सालों से लगभग इस उत्तर प्रदेश से नदारद है, बाहर है अभी, और आगरा में भी उसका कोई जनाधार जनादेश नहीं है। फिलहाल इस भीड़ के साथ में एक बार फिर साहब बताते हैं कि सोभुटा रोड के आगे तरफ क्रॉस करते हुए भीड़ इस समय रोड शो राहुल गांधी प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की बढ़ रही है, लोग उनके साथ चल रहे हैं, सिक्योरिटी पुल इंतजाम है और इस रोड शो के माध्यम से एक सियासी भूचाल सियासी घमासान एक बार शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि जनसमर्थन जनसैलाब काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़।